सामान सामान दो सामान दो ज़्यादा खाली है तुम्हें नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज एक आयोजन में ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दरअसल आयोजन था भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित की गई 6 किलोमीटर की मैराथन रन का। उस मैराथन रन में भगदड़ मच गई। आप तस्वीरों में वीडियो विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ लोगों का ग्रुप वो भगदड़ मचाता दिखाई दे रहा है। दरअसल ये आयोजन पूर्णतः सफल आयोजन था, इसको बेहतरीन तरीके से किया गया था, लेकिन कुछ चूक इस आयोजन में रही भारतीय जनता पार्टी की। उसी का परिणाम यह रहा कि अंत में भगदड़ मच गई। आपको बता दें, आज सुबह के 8:15-8:30 बजे के लगभग मैराथन का फ्लैग ऑफ हुआ और मैराथन शुरू हुई। उसके बाद जब मैराथन खत्म हुई और सब प्रतिभागी वापस लौट कर आए, तब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय मेडल और सर्टिफिकेट लेने की होड़ में इन प्रतियोगियों में भगदड़ सी मच गई और स्टेज तक पहुंचने की होड़ में काफी गहमागहमी दिखाई दी। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने इनको एक लाइन में तरतीब में खड़ा भी किया और वो लोग, कोई बड़ा हादसा हुआ नहीं, कोई अप्रिय घटना घटित हुई नहीं। जैसा कि मैंने अभी कहा, ये आयोजन भारतीय जनता पार्टी का आयोजन था, इसको भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से किया गया था और सफल आयोजन था। पिछले कई दिनों से तैयारी में लगी थी भारतीय जनता पार्टी इस मैराथन की और उन्होंने सफल आयोजन किया, लेकिन इस आयोजन में कहीं थोड़ी चूक जरूर हुई, ये इस भगदड़ से दिखाई दे रहा है। इतने बड़े कार्यक्रम में कहां चूक हुई, ये भाजपा को एनालिसिस करना चाहिए और आने वाले समय में आज की इस घटना से सबक लेते हुए अगली बार ऐसी कोई घटना न घटित हो उसका ध्यान रखना चाहिए। हालांकि जैसा कि मैंने अभी पहले कहा है कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, इसका मतलब यह नहीं कि घटना से हम मुंह मोड़ सकते हैं, क्योंकि अप्रिय घटना न हुई लेकिन भगदड़ तो हुई है, यह बात तो वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो आगे के आयोजन में भारतीय जनता पार्टी जरूर इस चीज का ध्यान रखेगी, ऐसी उम्मीद है। एक तरफ ये आयोजन, जहां इस आयोजन को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगदड़ हुई है जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ इस आयोजन के प्रति लोगों का उत्साह भी इसी में झलक रहा है, यह भी एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बुलावे पर इतने प्रतिभागी एक साथ शामिल हुए और बड़े उत्साह से इस रन में भागे, वो भी एक अपने आप में बड़ी बात है। आप तस्वीरों में विजुअल में देख सकते हैं कि नॉर्मल रनर, जो साधारण रनर है, वो जो भागते हैं वो तो है ही है, लेकिन इसमें 8 साल की बच्ची है वो भी भागी है और एक दिव्यांग है वो भी भागा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह जरूर इस रन में देखा गया। फिर एक बार वही कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी, ये कोई जानबूझकर की गई घटना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है, उस चूक को भारतीय जनता पार्टी को जरूर सुधारना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।